स्टार रिपोर्ट द्वारा आयोजित मोदी राज में हार्दिक विशेषांक के व्यंगचित्र का विमोचन करते फ्री प्रेस जर्नल के कार्यकारी संपादक बालाकृष्णन के हाथों से किया। इस दौरान साथ में अमिकृपा बिल्डर वाले धर्मिल शाह, उर्मिल शाह, कार्टूनिस्ट राज पाटिल, जागरण जंक्शन के आशुतोष गुप्ता, स्टार रिपोर्ट के प्रधान संपादक हार्दिक हुंडिया उपस्थित रहे। पचहत्तर ऐसे व्यंग चित्र जो कार्टूनिस्ट राज पाटिल ने तैयार किए हैं, वो व्यंग चित्र द्वारा एक अद्भुत वर्ल्ड में सुंदर मैसेज जाए, ऐसा एक बुक लेके हम लोग आ रहे हैं मोदी राज में हार्दिक करके। आज हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आज हमारे साथ पत्रकार जगत का वो सितारा जिन्होंने 40 साल पत्रकार लाइन के अंदर बिताई है तो ठीक है, लेकिन उन्होंने एक एक जो स्टोरिया समाज को दिए, समाज के प्रेरक बनने की, समाज को एक शुभ संदेश देने, एक सकारात्मक सोच का जो भंडार है। थोड़े दिन पहले हमारी रिपोर्टर रश्मि नरीमन पॉइंट पे जा रही थी और एक इंसान गिर गया था, एकदम वो बोल रहा था बचाओ बचाओ बचाओ, तब रश्मि जैसे दौड़ी और साइड में से एक गाड़ी जा रही थी, उसने देखा कि कोई लड़की आवाज दे रही है किसी ने, और तुरंत उन्होंने गाड़ी रोकी और गाड़ी में उस इंसान को बिठा के सीधा बॉम्बे हॉस्पिटल लेके गए। तो जो रियल में एक ऐसे पत्रकार है वो आज हमारे साथ मौजूद है, बालाकृष्ण जी। बालाजी आपका स्टार रिपोर्ट में हार्दिक स्वागत है। बालाजी के लिए जितना कहूँ इतना कम है, पत्रकार जगत में जिनकी एक मिसाल दी जाती है, और आज हम 12वां कार्टून का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं बालाजी के हाथों से। मैं सबसे पहले भाई उर्मिल से विनती करूंगा बालाजी को बुके से सम्मानित करें। मतलब स्मिता सालस्कर जी ने कहा था एक एक व्यंग चित्र एक एक बुक के बराबर है, और जब व्यंग चित्र की जब बुक बनेगी तब एक इतिहास रचा जाएगा कि व्यंग चित्र द्वारा भी सकारात्मक मैसेज दुनिया में जाना, ये आज हम लोगों का जो प्रयास है, और वो उसके रूप एक कार्टून व्यंग चित्र। आज मैं बालाजी से विनती करूंगा कृपया एक व्यंग चित्र। कार्टून जो पाटिल साहब ने बनाया है बहुत ज़बरदस्त कार्टून है, और इसमें जो अच्छा काम हुआ है 2014 से लेके आज के तारीख में 9 साल में इतना ज़बरदस्त काम हुआ है, एक एक क्षेत्र में इतना इस सरकार ने काम किया है जिसका कोई ये नहीं कंपैरिजन नहीं है। और आप देखिए आज की तारीख में अमेरिका जैसा राज्य जो है वो हमारे ऊपर वो लोग प्रेशर डाल रहे हैं कि वो खालिस्तान का जो एक फालतू आदमी है उसको मारने के पीछे जो षड्यंत्र का, यानी एक मस्कुलर फॉरेन पॉलिसी, वहाँ पे कम से कम अभी तक 26 लोग जो हमारे देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, 26 लोगों को हमारी सरकार के जो हमारे लोग हैं देशभक्त लोग हैं वहाँ पे फॉरेन में जाके उनको ठोका है, ऐसा काम कभी नहीं हुआ है। एक हमारे इमेज जो है विश्व के अंदर इतना ज़बरदस्त हो गया है, और जो अभी नंबर 3 जो रैंक जो है उसको टच करना भी मेरे ख्याल से 1-2 साल में वो भी हो जाएगा। इकोनॉमी में हर चीज़ हो रहा है, लेकिन एक ही मुझे कहना है कि जो हमारे जो उद्योगपति वर्ग जो है, जो बिजनेस कम्युनिटी है, उनके मन में जो डर जो है ED, BD, DRI वगैरह का, वो डर को निकाल के उनके ऊपर पूरा भरोसा रखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आखिरकार अभी हार्दिक भाई ने पेपर चालू किया बोल के, उनके स्टाफ जो फैमिली चलता है, परिवार चलता है, वैसे बड़े बड़े उद्योगपति लोग हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि उद्योगपति वर्ग जो है बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर पूरा भरोसा रखे, और जो उनके बारे में जो नेगेटिव विचार है उसको अलग करके, ये जो बाबूगण जो है उनको इतना सताते हर चीज़ में, टैक्स में, GST में, हर चीज़ में, ये डर का वातावरण निकाल के
एक पॉजिटिव वातावरण लाएंगे तो पूरा बिजनेस कम्युनिटी उनके साथ में रहेंगे, पब्लिक उनके साथ में रहेंगे। और जैसा एक कार्टून में बताया इंडिया शाइनिंग, ये हकीकत में इंडिया शाइनिंग होगा और शाइनिंग होगा ये। लेकिन विपक्षी उल्लुओं को नहीं दिख रहा है विपक्ष में, अब अभी क्या बताए। कल ही देखिए अजीत पवार ने वो करजत में जो एनसीपी का मीटिंग था उसमें कहा कि शरद पवार ने कहा था उसको कि तुम भारतीय जनता पार्टी के साथ तुम सरकार में जाओ, और शरद पवार बाहर बोलते हैं अरे भारत भारतीय जनता पार्टी वो कम्युनल पार्टी है, इंडिया अलायंस के साथ में आ जाओ वगैरह बोल के। और इसने इतना भी बताया कि जो राजनामा जो किया शरद पवार ने वो तो पूरा को पूरा ड्रामा था। वो पहले तो अजीत पवार को बताया मैं राजीनामा कल देने वाला हूँ, और जितेंद्र अवार्ड और दूसरा को आनंद परांज पे खाना का उनका जो लीडर है एनसीपी का उसको बुला के बोला सब पब्लिक को जमा करो, सबको बोलो रोने को बोलो और बोलो कि राजीनामा वापस ले। इतना पूरा उसका एक्सपोज हो गया कल, अजीत पवार ने खुद किया है। यानी ऐसे लोग हैं जो इंडिया अलायंस में जो है, तो पब्लिक ज़रूर मुझे उम्मीद है कि पब्लिक पहचानेगा कौन उनके साथ में है और किसको वोट देने से देश का फायदा होगा। और एक जैसे कि अभी चल रहे हैं नए मतलब आने वाले चुनाव भी आने वाले हैं, तो तरह तरह के जैसे कि अभी अजीत पवार का मुद्दा उठाया, जैसे कि कार्टून पाटिल जी ने बनाया मेरे तीन अनमोल रतन जी, तो आगे आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में वो हो सकता है पवार, अजीत पवार आ सकते हैं बीजेपी के साथ? नहीं अभी तो है बीजेपी के साथ अभी में तो, है। अभी तो साथ है मतलब सरकार बनाने नहीं, अभी तो साथ में है। और उनके ऊपर जो ईडी का केस अभी वापस नहीं लिया मोदी ने वो अभी भी चालू है, तो जब तक वो केस है तब तक उसको बीजेपी के साथ में आना पड़ेगा। देखिए महाराष्ट्र इतना एक सुंदर राज्य है, ब्यूटीफुल राज्य हमारे, यहाँ का पब्लिक 10-12 करोड़ का पब्लिक जो है इतने मेहनती ईमानदार है, लेकिन पिछले सालों से आप देखिए कितने सारे बड़े बड़े घोटाला करके महाराष्ट्र को लूटा गया है, तो ये इससे बचना बहुत ही ज़रूरी है। और देवेंद्र फडणवीस जैसा जो उनका नेतृत्व में अगर उनको सपोर्ट दिया जाए, मुझे पूरा उम्मीद है कि महाराष्ट्र नंबर वन में तो है वैसे, लेकिन नंबर वन में से आगे बढ़ के वो तरक्की के रास्ते में आगे बढ़ेगी। बहुत धन्यवाद, चलो ठीक है। अभी आपको कहाँ जाना है?